सहन शक्ति। सहन शक्ति एक बहुत ही महान शक्ति है और उसके साथ साथ सहन शक्ति एक बहुत ही आवश्यक शक्ति है। आजकल वर्तमान समय हम सब देख रहे हैं कि हम सबके अंदर सहन शक्ति की ही तो कमी है कि हम छोटी सी बात को भी सह नहीं सकते। लेकिन गौर करिए कि सहनशीलता को शक्ति कहा गया है, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि सहन करना कमजोरी है, मजबूरी है। और इसीलिए कई बार हम ये भी कहते हैं कि हम कब तक सहन करें, हम कब तक टॉलरेट करें। सहन शक्ति के होने से हम कई सारी बातों को बड़े सरलता से समझ पाते हैं और हमारे संबंधों में भी मधुरता आ पाती है। और अगर हमारे अंदर सहन शक्ति की कमी होती है तो हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम रिएक्ट कर देते हैं। अगर कोई एक पेड़ को पत्थर मारता है तो पेड़ वापस पत्थर नहीं मारता, पेड़ वापस फल, फूल या पत्ते ये देता है। यानी कि हम वही देते हैं जो हमारे अंदर होता है। जिस वृक्ष में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और उसका फाउंडेशन मजबूत होता है वो ही तूफान को सह लेता है, या जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो कठिन और कठोर परिस्थिति को सह लेता है। सहन शक्ति का आधार ही होता है मनोबल। और आज जब हम सबके अंदर ये मनोबल कम हो गया है तो हम किसी की छोटी सी बात को भी सह नहीं सकते हैं। सहन शक्ति ना होने का कारण है इच्छाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं और उन अपेक्षाओं की पूर्ति को अपनी खुशी का या शक्ति का और शांति का आधार बनाना। जब वो एक्सपेक्टेशंस जो कि अनरियलिस्टिक भी होते हैं पूरे नहीं होते तब हमें दुख होता है, अशांति होती है और हम समझते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई व्यक्ति है। फिर उन एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में बदलने के लिए हम नकारात्मक तरीके अपनाते हैं, जैसे कि कंप्लेन करना, दोष लगाना, आलोचना करना, कंपेयर करना। हमें तो वो व्यक्ति अच्छा ही नहीं लगता, उसके संस्कारों को हम सहन नहीं कर पाते और हमारा उनके साथ व्यवहार भी अशिष्ट और अनुचित हो जाता है और वो लोग हमसे दूर चले जाते हैं। ज्ञान के आधार से हम समझ सकते हैं कि हमारा सत्य परिचय क्या है। हम तो आत्मा है, हर आत्मा एक लंबी यात्रा से होकर आई है जिसने उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डाला है। जैसे अगर किसी नॉवल का एक ही चैप्टर पढ़ा जाए तो उस नॉवल के कैरेक्टर्स के चरित्र को समझ पाना कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट होगा। पूरे नॉवल को पढ़ने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। हम सबकी यात्रा इतनी लंबी और अलग है कि सिर्फ ईश्वर ही उसे पूरी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि वो इस सृष्टि रंगमंच और ड्रामा के परे हैं। क्योंकि हम सबकी यात्राएं इतनी लंबी और अलग अलग है और यात्रा का अनुभव भी अलग अलग है तो ज़रूर हम सबके संस्कार भी अलग अलग होंगे। यहाँ पर पावर टू डिटैच भी यूज़ करना होता है। दूसरे के व्यवहार या उस परिस्थिति की एनर्जी से हमें साक्षी हो जाना चाहिए ताकि उसका प्रभाव हमारी सोच पे ना पड़े। जब हम साक्षी होते हैं तब स्पेस क्रिएट होता है और स्पेस से क्लैरिटी आती है। काउंसलर दूसरों को कैसे अच्छी तरह समझ पाते हैं? क्योंकि वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर या साक्षी दृष्टा होते हैं। जब हम मेरेपन से डिटैच होते हैं और सही पर्सपेक्टिव से दूसरे को देख पाते हैं तभी हमारे अंदर सहानुभूति, रहम और कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। यहाँ पर विशेष गुण है प्रेम का, स्नेह का। परमात्मा प्रेम के सागर हैं, गॉड इज लव। और जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं तो निरंतर प्रेम की धारा हम पर बरसने लगती है और हमारे अंदर के प्रेम को भी जागृत करती है। प्रेम की शक्ति से हम किसी की कोई भी बात को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनके पॉजिटिव्स को ही देखते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू और एनकरेज करते हैं और तब वो भी चेंज होने लगते हैं।
राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास और ज्ञान को जब हम गहराई से मनन चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर सहन शक्ति अपने आप ही बढ़ने लगती है। जिस तरह से एक कुशल शिल्पकार छेनी और हथौड़ी से किसी पत्थर को तराश कर एक खूबसूरत प्रतिमा बना देता है जो पूजी जाती है, उसी तरह से जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ कुशल शिल्पकार हैं जो हमें अनंत विधियों से आसमाती है, पर अगर हमने उसे सहनशीलता से प्रेम से पार किया तो हमारा व्यक्तित्व निखर जाता है। तो ये है बहुत ही ज़रूरी शक्ति, सहन शक्ति।